बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक निधि नाम की लड़की रहती थी। निधि स्वभाव की बड़ी ही अच्छी थी। निधि के पिताजी नहीं थे, इसीलिए उसकी माँ घर का खर्च चलाती थी। एक दिन निधि अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इसीलिए प्लीज आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो उसकी माँ कहती है, बेटी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला सकूं। मुझे अभी पैसे भी नहीं मिले हैं। इतनी बात सुनकर निधि निराश हो जाती है और वो चुपचाप अपने स्कूल के लिए चली जाती है। जब वह जा रही होती है, तब रास्ते में उसकी सहेलियां आइसक्रीम खा रही होती हैं। वे अपनी सहेलियों से कहती है, क्या तुम मुझे भी आइसक्रीम दिला सकती हो? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब मेरी माँ मुझे पैसे देगी, तब मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगी। तो उसकी सहेली बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद कर नहीं दूंगी। हमें परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा तुम्हें? अरे निधि, तुम तो बड़ी ही ढीठ हो, भिखारियों की तरह आइसक्रीम मांग रही हो, लेकिन कोई भी तुम्हें आइसक्रीम नहीं देगा। तू यहाँ से जल्दी चली जा। निधि वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। निधि को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उस दिन वह स्कूल भी नहीं जाती, वही फुटपाथ पर बैठकर रोने लगती है। जब वह रो रही होती है, तब उसके पास एक औरत आती है और कहती है, सुनो बेटी, मुझे मालूम है कि तुम्हें आइसक्रीम खानी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ ढेर सारी आइसक्रीम खिलाऊंगी। निधि इतना सुन बहुत खुश हो जाती है और वो उस औरत के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लो बेटी, बहुत सारी आइसक्रीम, घर जाकर खूब मजे से खाओ। धन्यवाद जी, मैं घर जाकर बहुत सारी अब आइसक्रीम खाऊंगी। निधि वो सारी आइसक्रीम लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को बताती है, माँ देखो मेरे पास कितनी सारी आइसक्रीम है, मुझे ये एक औरत ने दी है। मैं इसे कुछ आज खाऊंगी और बाकी अपनी कल सहेलियों को दूंगी, क्योंकि उन सारियों ने आज मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं उनकी तरह बुरी नहीं हूँ। मैं उन्हें भी ये आइसक्रीम जरूर दूंगी। इतना कहकर वो दोनों रात को सो जाती हैं। अचानक निधि उठती है और नींद में ही चलने लगती है। उसकी माँ भी एकदम से उठ जाती है। जब वो निधि को ऐसे देखती है तो चौंक जाती है। ये कहाँ जा रही है और ये इतनी रात को नींद में क्यों चल रही है? इतना कहकर निधि की माँ निधि के पास जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो जैसे ही निधि को रोकती है, निधि अपनी माँ को जोर से धक्का मार देती है और उसकी माँ नीचे गिर जाती है और फिर निधि वहाँ से चली जाती है। फिर निधि की माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है। वह निधि का पीछा करते हुए चलती जाती है। निधि उसी औरत के घर में पहुंच जाती है। उसकी माँ भी उनकी सारी बातें वही छिपकर सुनने लगती है। देखते ही देखते वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। निधि ये देख डर जाती है और चुड़ैल कहती है, ए लड़की, मैं कोई औरत नहीं, चुड़ैल हूँ। मैं इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर खा जाती हूँ। अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल निधि को बांध देती है। निधि रोती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसकी माँ ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जल्दी जल्दी भागकर वापस घर जाती है। और अगली सुबह होते ही उसकी माँ गांव के एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को कहती है, तांत्रिक बाबा, हमें बचा लो, एक चुड़ैल ने मेरी बेटी को कैद कर लिया है। तांत्रिक उसकी सारी बात को बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है, फिर मैं अभी ध्यान लगा कर देखता हूँ। फिर कुछ टाइम तांत्रिक ध्यान लगा कर बैठता है और सारी बात जान लेता है और कहता है, मैंने देख लिया है सब, मुझे पता है ये चुड़ैल कहाँ है, चलो मेरे साथ, आज इसकी खैर नहीं। तांत्रिक निधि की माँ के साथ चल पड़ता है। वो दोनों उसी चुड़ैल के पास चले जाते हैं। कहाँ है दुष्ट चुड़ैल, बाहर आ, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा।
कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ ले आई है? बाबा मैं तुझे दिखा जाऊंगी। देख मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, तू मुझे जानती नहीं है। इतना ही कहते ही तांत्रिक चुड़ैल को रस्सी से बांध देता है। तांत्रिक मुझे छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा तो होगा चुड़ैल आज तेरे साथ, आज तेरी ही आइसक्रीम मैं तुझे खिलाऊंगा और तू मर जाएगी। इतना सुनकर चुड़ैल डर जाती है और तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही वो आइसक्रीम चुड़ैल खा जाती है और मर जाती है। फिर निधि और उसकी माँ तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करती हैं। तांत्रिक बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। इतना कहकर वो दोनों घर चली जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए।